बुधवार को प्रखंड के साहर दक्षिणी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 13 लोमा गांव में एक निजी भूमि में जबरदस्ती बनाई गई पीसीसी सड़क को बीडीओ राजेश कुमार की मौजूदगी में तोड़ दिया गया। उक्त कार्रवाई जिला लोक शिकायत निवारण अपीलीय प्राधिकार के निर्देश पर की गई। ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में संबंधित भूस्वामियों की सहमति के बिना तत्कालीन वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष सागर देवी और सचिव दीस कुमार यादव द्वारा इस रैयती जमीन पर जबरदस्ती सड़क का निर्माण कराया गया था। इसको लेकर आवेदिका कंचन देवी ने लोक शिकायत निवारण में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश पर उक्त सड़क को तोड़ने का निर्देश जारी हुआ। इसके अलावा लोक शिकायत प्राधिकार से बीडीओ को संबंधित वार्ड क्रियान्वयन समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव से सड़क निर्माण की लागत सरकारी कोष में जमा कराने का आदेश भी मिला, जिसके आलोक में उक्त कार्रवाई की गई है। इधर निजी पुस्तैनी भूमि में बनी सरकारी सड़क के तोड़ने की कार्रवाई पर आवेदिका कंचन देवी सहित उसके अन्य हिस्सेदारों ने संतोष व्यक्त करते हुए इसे सत्य की जीत बताया है। बबन जी, इमरजेंसी मीटिंग में बाद में बात करते हैं। अरे क्या हुआ, किन ख्यालों में डूबी हो रिकू? अरे पीकू, तुम सोच रही थी बारिश का मौसम आने वाला है और उसके आते ही मुसीबतें ही मुसीबतें। अरे मानसून आते हैं तो खुशियां आती हैं और तुम कह रही हो मुसीबतें ही मुसीबतें। बोलो तो जगह जगह पानी कब जमा होता है? मानसून में। ट्रैफिक जाम कब होता है? मानसून में। घरों के आगे गले गले तक पानी कब भर जाता है? मानसून में। तो बोलो, अब मानसून को मुसीबत ना बोलूं तो क्या बोलूं? पर रिकू, कभी सोचा है कि पानी का जो घर है वो वहाँ ना जाकर तुम्हारे गली मोहल्लों या सड़कों पर क्यों आ जाता है? पानी का घर, समझी नहीं। अरे पानी का घर यानी बावड़ियाँ, तालाब, कुएं, जो आज शहरों में लगभग खत्म ही हो चुके हैं। अरे शहरों में कहाँ होते हैं तालाब, बावड़ियाँ, कुएं? अरे होते हैं रिकू, पर सब इन बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कहीं दबके रह गए और जो बचे खुचे हैं वो गंदे हो गए। पेड़ और जंगल भी खत्म हो गए जो बारिश का पानी और भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने में मदद करते थे। So sad, पर अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो तो सकता है, तो ध्यान से सुनो। पहला, जब बारिश आए तो उसके पानी को छत या किसी टैंक में स्टोर करने की कोशिश करें, जैसे यहाँ इन टैंकों में वर्षा का पानी इकट्ठा हो रहा है और धरती के अंदर भी जा रहा है, देखो इस तरह से। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। और दूसरा? दूसरा, जो तालाब, बावड़ियाँ और कुएं बचे हुए हैं उन्हें साफ करके इस्तेमाल के लायक बनाएं और पेड़ लगाएं। और ये मंत्र कभी ना भूलें। हाँ, सभी को बताएं भी, अपनाएं भी। Catch the rain where it falls, when it falls. Catch the rain where it falls, when it falls.